अच्छा ना हो ना डिप्रेस, तुम्हें याद नहीं है मन्नत की दफा भी यही हुआ था, भैया ने हर रिश्ते में कोई कीड़ा निकाला था और बस बात खत्म। कितनी लकी है ना मन्नत, बड़े भैया उसकी शादी के लिए मान गए। वो इसलिए माने थे क्योंकि ही थॉट कि अरेंज मैरिज, अब शादी के बाद मुराद को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है ना, इसलिए पछता रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, बड़े भैया की शादी करा दे। है ना, उन्होंने तब शादी नहीं की जब उनकी शादी की उम्र थी और सारे इसरार कर रहे थे, अब तो जरूर ही करेंगे वो शादी। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ये भाई। बड़े भैया की शादी मुराद की बड़ी बहन से होनी चाहिए, वो भी बड़े भैया की तरह थोड़ी सी क्रैक है, बिल्कुल ठीक कर देंगे उन्हें। हाँ ठीक है, शादी करा देंगे, जब तुम लाहौर से आओगे ना तो रिश्ता लेकर चलेंगे। ठीक है, अब उठो, तुम्हारी फ्लाइट नहीं है। साहब तुझे की फ्लाइट है तो उठो, पैकिंग करो, मैरिज ब्यूरो क्यों खोल के बैठे हुए हो। थोड़ी देर आप बैठे देना। ठीक है भाई।